आप देखिए हर जगह कहीं ना कहीं गरीब और अमीरी की लड़ाई है। हमारे देश में गरीब और अमीरी की लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ तो सम्मान और अपमान की लड़ाई है। हमारा जो गरीब मजदूर वर्ग है वो सिर्फ सम्मान चाहता है, न्याय चाहता है, और न्याय के लिए जिम्मेदार हमारी न्यायपालिका है। तो इसलिए मेरा न्यायपालिका के साथ में कोई विरोधाभास नहीं है। मैं चाहता हूँ कि न्यायपालिका अपने आप में ईमानदार बने, जिससे उसका गौरव और भी ज़्यादा बढ़ के रहे, वो बांटने वाली राजनीति न करे। जातिवाद में जो बांटने का काम करते हैं जो लोग, उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अंकुश नहीं लगाएंगे ये समाज एक दूसरे को ठगता रहेगा, और ठगा भी जा रहा जातिवाद के नाम पर। 70 साल के बाद में आज हम मनुवाद की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम संविधान पर चलने के लिए शपथ ही नहीं ले रहे हैं। हम अपने अंदर छुपे हुए ऐसे एजेंडे, और वो भी लोग मंत्री बन जाते हैं कि हम संविधान बदलने निकले हैं। अगर संविधान बदलने निकले हो तो सत्ता से दूर हो जाओ, खड़ा करो आंदोलन कि हम संविधान को बदलेंगे। कौन मना कर रहा है, हम भी तो जागरूक होंगे।